Usman! Amar rahe, amar rahe! Brigadier 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 Usman! Amar rahe, amar rahe! Bharat Mata Ki! Jai! Bharat Mata Ki! Jai! Bharat Ke Shaheed! Amar rahe, amar rahe! Bharat Ke Shaheed! Amar rahe, amar rahe! Amar rahe! Bharat Ke Sapoot! Amar rahe, amar rahe! Bharat Ke Shaheed! Amar rahe! अमर रहे देश के शहीद अमर रहे अमर रहे भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम करण तू लाइव कर रहा है वंदे मातरम अभी रुक जाता यार मैं तू मुझे क्या बता उस्मान अमर रहे अमर रहे ब्रिगेडियर उस्मान अमर रहे अमर रहे ब्रिगेडियर उस्मान अमर रहे अमर रहे हर तरह फोटो गया हम दे ना और छोड़ जा जी सर आज भी हम यहां सब जो फ्रीडम फाइटर एसोसिएशन है उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स प्रधान कन्वीनर सब यहाँ मिले आए हैं एज जैसे हमारी एक हर फंक्शन जो होता है हमारा यहाँ शहीदी दिवस होता है पर्टिकुलर जो हमारी आर्मी के और जो हमारी अदर बेल्ट फोर्सेस हैं उनके जवानों ने उनके अफसरों ने जो शहादत दी है मुल्क के लिए उनके जो जन्मतिथि होती है या जिस दिन उन्होंने शहीद हुए होते हैं तो उस ओकेजन पे हम यहाँ सब यहाँ इकट्ठे होके उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं सो दैट आने वाले समय में जो हमारी यंगर जनरेशन है उनको भी लगे कि भई अगर ये मुल्क आज़ाद हुआ है तो कैसे हुआ है किन की वजह से हुआ है आज तो हम सब मिलके यहाँ इंजॉय कर रहे हैं हर फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं रादर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो उनको दिखाने के अब आज जो है आज हमारे जो ब्रिगेडियर उस्मान जी थे उनका आज जन्मदिन हुआ था 1912 में और उसके बाद उनकी परवरिश जो हुई है बड़े एक नोबल हिसाब से हुई है और उसके बाद वो उस ओहदे पे पहुँचे सबसे जो सीनियर मोस्ट सेक्रीफाइस थी ओहदे वाइज उस वक्त जो और एक मिसाल है आज तक मिसाल है और वो उस वक्त 1947 में उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ के हिंदुस्तान आर्मी के साथ उन्होंने रहा अभी की पाकिस्तान आर्मी के जनरल ने उनको बड़ी ऑफरें दी थी बट उन्होंने वो ठुकरा के और उसमें उन्होंने अपनी शहादत दी शहीद हुए मुल्क के लिए आज उनका और वो बहुत इतने नोबल सोल थे कि उन्होंने मुल्क के लिए अपने शादी नहीं की उन्होंने और बैचलर रहे और उन जैसे जो हमारे उस्मान जी हैं इनसे प्रेरणा लेके आज का जो युग है उसमें जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं उनको इनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये सिर्फ जो मेजॉरिटी का चक्कर नहीं है हिंदुस्तान में सब बराबर हैं चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी से है चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है चाहे वो सिख है चाहे वो क्रिश्चियन है सबको जो एक नोबल सोल है जो एक संस्कारी है जो मेन स्ट्रीम में चलना चाहता है वो इस ओहदे तक हिंदुस्तान आर्मी में पहुंच सकता है और इसके लिए मैं जो है हमारे यहाँ सब सीनियर जो है वेद गंडोत्रा जी जो हमारे हैं यहाँ गुप्ता जी हैं ये जो हमारे प्रेस के और बाकी जितने भी सीनियर हैं इन्होंने जो इनकी योगदान है आज तक मुझे नहीं लगता G&K में कोई जो है इससे दूसरी संस्था कोई ऐसी है जिन्होंने इतना बड़ा